हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आज का वीडियो देख के और ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने इसे बनाने के लिए ले लिया है मुनक्का, साथ में किशमिश, साथ में अखरोट, बादाम, पम्पकिन सीड्स, काजू, सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने ले लिए हैं। एक चीज़ मैंने और लिया था, खजूर, जो कि छुहारा बोलते हैं, तो वो मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गई थी। तो ये सारी चीज़ें ना, लाइक मैंने ऐसा कुछ नाप तौल के नहीं लिया है, बट हाँ ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी में मैंने सारी चीज़ों को ले लिया। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है गाइस, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कर लेना है, आपको कर लेना है इनको छोटे छोटे पीसेस में कट। तो फिर मैं यहाँ पर इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। और ये जो ड्राई फ्रूट कटर है, इसको मैंने रिसेंटली परचेस किया है मीशो से, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। सारे ड्राई फ्रूट्स कट होने के बाद यहाँ गैस पे मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई और उसमें डाल दिया 2 से 3 चम्मच घी। और घी गर्म होने के बाद जो मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे उनको एक एक करके मैंने फ्राई कर लिया। तो सबसे पहले मैंने पम्पकिन सीड्स और बादाम को कर लिया बहुत अच्छे से फ्राई। तो गाइस, जो बादाम होता है ना, वो हमारे बालों के लिए तो क्या ही सही होता है, सच में विटामिन ई भर भर के इसमें पाया जाता है। बालों के लिए, आँखों के लिए, हेल्थ के लिए, हर एक चीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है सारे ड्राई फ्रूट्स। और ये जो होता है अखरोट, ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करता है, साथ ही हमारे दिमाग को तेज करता है और लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारे सेहत के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और साथ में यहाँ आ गया हमारा छुहारा। तो लाइक जितनी भी चीज़ें थी ना, तो मैंने सबको एक एक करके घी में कर लिया अच्छे से रोस्ट। उसके बाद में ये है किशमिश और मुनक्का, तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया। जब ये सारी चीज़ें रोस्ट हो गई, उसके बाद में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बनाई चाशनी, जो कि गुड़ की होगी। तो शक्कर का यूज़ ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट गुड़ ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसलिए मैंने ना यहाँ गुड़ की चाशनी बना ली अच्छे से। आप चाहो तो इसमें और भी इंग्रेडिएंट डाल सकते हो, लाइक मेथी हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें, जो भी आपको पसंद हो, मूंगफली डाल सकते हो, नारियल डाल सकते हो, जो भी मेरे पास में जो चीज़ें अवेलेबल थी, मैंने उन्हीं चीज़ों में इसको बनाना ज़्यादा अच्छा समझा, ठीक है। तो यहाँ पर जब गुड़ की चाशनी अच्छे से बन गई, तो सारे भुने वाले ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें डाल दिए। और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, जो किशमिश और मुनक्का, इनको मैंने अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। लाइक मुझे ना खड़े खड़े मुनक्का के किशमिश पसंद नहीं है, इसलिए तो यहाँ पर फिर छोटे छोटे से लड्डू मैंने बना दिए। पूरे घर वालों ने ये लड्डू खाया, सबको बहुत ही पसंद आया, और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप भी अपने घर पे इसको बना सकते हो, बच्चों को, बूढ़ों को, बुज़ुर्गों को, लाइक आप सबको खिला सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद लड्डू है। और लाइक इसमें आप अपने हिसाब से ना और भी चीज़ें जो चाहो वो ऐड कर सकते हो।